हेलो फ्रेंड्स, सबको जय मसीह की। मेरा नाम पूनम है और मैं जीरकपुर से हूँ। मैं आज आपको अपनी लाइफ के बारे में, अपने आप पे जो प्रभु का अनुग्रह हुआ है मुझ पे, मैं उसके बारे में, एक चमत्कार के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। मैं जीरकपुर से हूँ और आज से 5 महीने पहले मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं आपको उस चीज़ के बारे में बताना चाहती हूँ कि एक्चुअल मेरे साथ हुआ क्या था। मेरी छोटी सी फैमिली है, मैं एक हिंदू परिवार से हूँ, मैं मैरिड हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं और हमारी बहुत अच्छी खुशहाल फैमिली में अचानक बहुत ज़्यादा इस तरह से एक बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा हमारी खुशियों पर। कि मैं आपको उस चीज़ के बारे में बताना चाहती हूँ कि आज से 5 महीने पहले अचानक मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। ऐसे तो मेरी लाइफ में बहुत कुछ होता रहा है। मैं आपको बता दूँ कि मेरी शादी को 14 ईयर्स हो चुके हैं। 14 ईयर्स में मेरे बहुत सारे ऑपरेशन हो चुके हैं, बहुत सारे मेरे, कभी कुछ मेरे साथ, कभी एक्सीडेंट, कभी कुछ बीमारी होता ही रहा है। बट आज से 5 महीने पहले मुझे एक अचानक एक रात इतना दर्द हुआ कि मुझे हॉस्पिटल एडमिट करवाया गया। और जब मुझे हॉस्पिटल एडमिट करवाया तो वहाँ पे डॉक्टर्स ने मेरी, जब मेरी अल्ट्रासाउंड वगैरह, मेरा सीटी स्कैन वगैरह करवाया तो उन्होंने मेरी फैमिली को बताया कि मुझे कैंसर है। फ्रेंड्स, कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है और ये किसी के लिए भी सुनना बहुत ज़्यादा दर्दनाक है। और जब मेरी फैमिली को, मेरे हस्बैंड को, मेरे पेरेंट्स को ये पता चला कि मुझे कैंसर है और वो कैंसर इस तरह से मेरे अंदर फैल गया, मेरी किडनी में, मेरे यूट्रस में, मेरी ओवरी में, मेरी लेग में, मेरी आंतों में, वो इतना फैल गया कि डॉक्टर्स ने जब देखा तो उन्होंने मेरे घर वालों को ये कह के शिफ्ट कर दिया कि आप इसे यहाँ से ले जाइए, हम इसका कोई भी इलाज नहीं कर सकते और ना ही इसका कोई इलाज है। मैं मायो हॉस्पिटल में एडमिट थी, वहाँ से मुझे पीजीआई रेफर कर दिया गया। जब मुझे पीजीआई लेके गए तो उन्होंने भी यही बात बोली कि ट्यूमर जो है, डेस्मॉय ट्यूमर था मुझे, जो मेरी पूरी बॉडी में फैल चुका है। और डॉक्टर्स ने मेरे पेरेंट्स को ये बोला कि ये 2.5 महीने से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकती। फ्रेंड्स, किसी के लिए भी ये सुनना कि 2.5 महीने से ज़्यादा आप जिंदा नहीं रह सकोगे तो आपके दिल पे क्या बीतती है? आप उस वक्त सोच नहीं सकते कि मेरे बच्चों की, मेरे हस्बैंड की, मेरे पेरेंट्स की क्या हालत रही होगी। और वो दर्द जो मैंने पीजीआई में 1 महीने एडमिट रह के निकाला है, उस चीज़ का शायद मैं आपको बयां भी ना कर पाऊँ। बट मेरे पास बहुत सारी इस चीज़ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा सकती हूँ। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी रिपोर्ट दिखाना चाहती हूँ। सीटी स्कैन की रिपोर्ट है जो उस दौरान मायो हॉस्पिटल में सीटी स्कैन जब हुआ तब उस दौरान की रिपोर्ट है, आप इसे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मुझे 7.9 mm का ट्यूमर है, आप देख लीजिए अच्छे से। फ्रेंड्स, जब हॉस्पिटल में मैं एडमिट थी तो आप सोच सकते हैं कि इतनी बुरी कंडीशन में मैं 1 महीने स्ट्रेचर पे रही हूँ। मेरे नाक में पाइप लगी हुई थी, मेरे को यूरिन पाइप लगी हुई थी, हाथ में कैनुलास थे और 1 महीने तक मैंने इतना गंदा टाइम निकाला कि मैं आपको बता नहीं सकती। और इतने दर्द में कि अगर शायद उस वक्त आप लोग मुझे देखते तो शायद आप लोग भी रो पड़ते। और मेरे हस्बैंड का तो मानो जैसे बहुत बुरा हाल था जब उनको ये पता चला कि मुझे कैंसर हो गया है और शायद मैं सिर्फ 2-2.5 महीने ही जिंदा रहूं। फ्रेंड, किसी भी हस्बैंड के लिए ये सुनना तो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है कि उसकी, उसका परिवार उजड़ जाएगा, उसके बच्चे रुल जाएंगे। सोचिए अगर किसी के साथ भी ऐसा होता है या किसी के साथ ये बीमारी होती है तो वो किस हद तक अपने आप को एक अकेला महसूस करता है। उसी वक्त मेरे हस्बैंड की भी यही हालत थी और मेरी भी। फिर कहते ना, कहीं ना कहीं अगर परमेश्वर है तो वो हमें देखता है, वो हमारे परिवार की, हमारे फैमिली मेंबर्स की सुनता है। फ्रेंड्स, आज से पहले मैं आपको सीरियसली बताऊं, मेरे इतने ऑपरेशन हुए, मुझे कभी साईं बाबा के ले जाया गया, कभी बालाजी के लेके गए, कभी शेरा वाली माता के लेके गए, कभी वैष्णो देवी, कभी कहीं, मतलब मेरे लिए इतनी मन्नतें मांगी ना मेरे घर वालों ने हर ऑपरेशन के दौरान। लेकिन कहते ना कि ऑपरेशन की भी इंतहा हो जाती है, 6 ऑपरेशन अपने आप को मैं इतना कटवा चुकी हूँ कि मेरा स्टमक ऑलरेडी पूरी तरीके से कट चुका है। और अब इस चीज को काटना भी डॉक्टरों के लिए खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि डॉक्टर्स ने एक ही बात बोल दी थी, अगर हमने इसका ऑपरेशन किया तो एट द स्पॉट इसकी डेथ हो जाएगी। फ्रेंड्स, इतने माताओं के, बाबाओं के ले जाके जब मुझे कोई बचा नहीं पाया तो मेरा सब पर से विश्वास उठ गया। मैंने उस दौरान, मैंने ये भी कहना छोड़ दिया कि किसी
कोई भी भगवान मुझे बचा ले, लेकिन फिर भी मेरी मम्मी कभी किसी माता के भाग रही है, कभी कहीं से मेरे लिए तांतियां बनवा के लेके आ रही है, मेरी सिस्टर शिरडी साईं बाबा से मेरे लिए तांती लेकर आई, बंधवाई कि ये कैसे ना कैसे ठीक हो जाए। बट फ्रेंड्स, मुझे पता है मैंने कितना गंदा टाइम निकाला। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी थे जो हॉस्पिटल में साईं बाबा की भभूति लेके आ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। जिन्होंने मुझे उस कंडीशन में देखा वो रोते थे, क्योंकि मैंने सबके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया और अचानक मेरी कंडीशन इतनी खराब हो गई कि वो लोग मुझे देख देख के रोने लगे कि मुझे अचानक कैसे ये प्रॉब्लम हो गई। और फ्रेंड्स, उस दौरान मेरे साथ कहते ना कि प्रभु ने मुझे छूना था, मेरे साथ एक चमत्कार करना था। तो मेरी एक फ्रेंड है महक, उसके द्वारा प्रभु ने अपना संदेश मुझ तक भेजा। यहां से शुरुआत हुई प्रभु के साथ मेरे जुड़ने की, उनके अनुग्रह की। जब मुझे फर्स्ट टाइम उसने कॉल किया, मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी और उसने मुझे बोला कि पल्लवी मैं तेरे लिए ना प्रेयर करवाना चाहती हूँ। जब मेरे लिए इतना कुछ ऑलरेडी करवा रहे थे, कभी कोई कहीं माता के लेके जा रहा है, कभी कोई कहीं से भभूति लेके आ रहा है, तो मैंने सोचा, मैंने कहा चल यार तू प्रेयर भी करवा ले। जहां मैं भी अपने जीने की आस खो चुकी हूँ, तो सोचे उस वक्त तो जो भी मेरे लिए कुछ करना चाहेगा ना, मैं यही बोलूंगी कि हाँ करवा दो, कोई भी प्रेयर करवा दो, मैं करवाने को तैयार हूँ। लेकिन उस टाइम मुझे नहीं पता था वो प्रेयर किस चीज की है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि वो प्रेयर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मेरे लिए सैम भैया के द्वारा की गई थी और उस टाइम मैं हॉस्पिटल में थी। जब फर्स्ट टाइम वो प्रेयर मेरे लिए हुई, मैंने सिर्फ अपने अंदर एक बहुत ही शांति महसूस की। इतने दर्द में, जहाँ मेरे हस्बैंड मेरी लेग को पकड़ के रखते थे, मेरी मम्मा मुझे पकड़ के रखती थी, फ्रेंड्स मुझे 20-20 इंजेक्शन एक दिन में लगते थे और इतना बुरा हाल मेरा था कि मैं उस चीज के बारे में अगर अभी भी आपको बता रही हूँ तो मुझे रोना आ रहा है कि मैंने कितना गंदा टाइम निकाला है। आप सोच नहीं सकते कि मैंने कितनी गंदी हालत में अपने आप को फील किया, देखा, और मैं ये सोचती रही कि शायद मैं कुछ दिनों के मेहमान हूँ। लेकिन उस प्रेयर ने मुझे इतनी शांति दी, मैं बहुत खुश थी। लेकिन जब इतनी जगहों पे आपके लिए कुछ ना कुछ हो रहा होता है ना, तो आप किसी पे विश्वास नहीं करते। मुझे भी विश्वास नहीं हुआ कि प्रेयर से कोई ठीक हो जाता है। फ्रेंड्स, उसके बाद मुझे बहुत ही गंदी हालात में डॉक्टर्स ने छुट्टी देके घर भेज दिया कि आप इसे घर ले जाइए। फ्रेंड्स, एक महीना मेरा शुशु पॉटी सब बंद हो गया था और मेरी लेग में इतना दर्द था कि मैं चीखे मार मार के रो रही थी। जब मुझे घर लाया गया तब भी मेरी कंडीशन बहुत खराब थी। मेरे पड़ोसी इस चीज के गवाह है कि जब मैं रात को घर आई तो मैं बेसुधी हालत में घर लेके आई थी और बस ये सोचते थे अब मरी, घड़ी को मरी, ये वाली हालात मेरे साथ थे कि पता नहीं कितने दिन जिएगी। मेरे बच्चे रुल रहे थे, कभी मेरे बच्चों को कहीं भेजा जा रहा है, कभी कहीं भेजा जा रहा है, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में, मेरे बच्चों का स्कूल खराब हो गया, उनकी स्टडी खराब हो रही है, उनकी जिंदगी खराब हो रही है, घर मेरा बिखरा पड़ा है। फ्रेंड्स, उस दौरान जब मैं घर आ गई तब भी मतलब जैसे मेरी फ्रेंड्स मुझे बोलते रहे कि प्रेयर करवा, प्रेयर करवा उसकी, तब मेरी बात अरमान भैया से हुई। बहुत ही अच्छे लोग हैं वो लोग, उन्होंने मेरे लिए प्रेयर की। एक घंटा मुझे उन्होंने उस चीज के बारे में समझाया कि आखिर आपके लिए प्रेयर किस चीज की हो रही है। उन्होंने मुझे बताया कि ये प्रेयर प्रभु यीशु मसीह की है, जो प्रेयर के दौरान आपको छूते हैं और आप पर अनुग्रह होता है और आप पूरी तरीके से चंगाई पा लेते हैं। फ्रेंड्स, जब उन्होंने मेरे लिए प्रेयर की तो मैं बहुत आनंदित, अंदर से इतनी खुश थी मैं, मुझे ऐसे लगा कि मैं ठीक होना शुरू हो जाऊंगी अब। लेकिन फिर भी जैसे एक डर, एक भय अंदर ही अंदर मुझे ऐसे करता था कि मैं पक्का ठीक हो जाऊंगी, मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं, ये डर मेरे अंदर था ही। लेकिन भैया ने मुझे एक बात बोली कि जिस दिन आप हमें बोलोगे ना घर आने के लिए, उस दिन हम आपके घर आएंगे। और फ्रेंड्स, ऐसा ही हुआ। मुझे इतना दर्द था, मेरे मॉम, मेरे डैड सब मुझे दर्द में देख के परेशान थे, मेरे हस्बैंड बेचारे अकेले बैठ बैठ के रोते रहते थे कि बस कैसे भी ये ठीक हो जाए। फ्रेंड्स, एक दिन भैया मुझे स्पेशली घर से चर्च ले जाने के लिए आ गए। उस चर्च में बिशप विजय पास्टर है जो सबके लिए प्रेयर करते हैं। फ्रेंड, जब उन्होंने मुझे बोला, जब वो मुझे घर से ले जाने के लिए आए, तो उसमें सोनिया थी, मेरे मॉम थे, भैया थे, अरमान भैया, और उन लोगों ने जब वो घर आए तो मैं हैरान थी कि बता घर से आपको ले जाने के लिए आ गए। फ्रेंड्स, कोई पंडित नहीं आता आपको घर से ले जाने के लिए कि चलो जी हम आपको वहां लेके जाते हैं और आपको ठीक करवा देते हैं। फ्रेंड्स, भैया ने मुझे बोला आज दीदी आप इस पूरे जरकपुर की गवाही बनने जा रहे हो।
फ्रेंड्स वो लड़की मुझे विश्वास दिलाती रही, सोनिया में इतना विश्वास मैंने देखा कि उसने मुझे बार बार यही बोला कि पल्लवी आज तेरी बहुत बड़ी प्रेयर होगी और तू पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगी और तू पूरे जीरकपुर की गवाही बन जाएगी, तू देखना ये चमत्कार तेरे जीवन में आज हो जाएगा, आज बहुत बड़ा चमत्कार होगा। पूरे रास्ते जीरकपुर से चंडीगढ़ सेक्टर 24 में इंदिरा हॉलीडे होम है, वहां पे हर संडे की संडे सुबह 10 बजे से 2 बजे तक प्रेयर्स होती है और शाम को 5 बजे से लेके और वहां पे 8 बजे तक प्रेयर्स होती है। फ्रेंड्स मैंने कभी जिंदगी में नहीं सुना कि इस तरह की प्रेयर्स भी होती है और इस तरह की प्रेयर से लोग ठीक भी हो जाते हैं। उन्होंने पूरे रास्ते मुझे जीरकपुर से चंडीगढ़ तक के रास्ते मुझे पूरे रास्ते यीशु मसीह के बारे में बताते रहे वो लोग, और मैं जब वहां पहुंची तो मैंने देखा कि वहां पे बहुत सारे लोग हैं, भजन कीर्तन हो रहे हैं और वहां पे मतलब एक वचन को सुना रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं, लोग वहां पे प्रेयर्स करवा रहे हैं। विजय सर हैं जिनको मैं पहले नहीं जानती थी, वो सबके सिर पे हाथ रखते हैं, लोग नीचे गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा था कि क्या बकवास है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वो इतनी जोर जोर से बोल रहे हैं और सच में मैं ये चीज ऐसे फील कर रही थी और मुझे इतना दर्द, मैंने कहा इतने दर्द में मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा और मैं यहाँ कैसे बैठूंगी। फ्रेंड्स जब मेरा वहां पे प्रेयर करवाने का नंबर आया, जब मुझे पकड़ के ये लोग वहां तक लेके गए, फ्रेंड्स सच में मैं आपको बता नहीं सकती उस दौरान मेरे साथ क्या हुआ। भैया ने, पास्टर विजय सर ने मेरे सिर पे हाथ रखा और हाथ रखते ही मैं उन्हीं को लेके नीचे गिर पड़ी और जैसे ही मैं गिरी, गिरने के बाद फ्रेंड्स जिंदगी में कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था, मैं नीचे गिरी और गिरते ही बहुत अजीब अजीब मेरे साथ होना शुरू हुआ, मैंने शाउट करना शुरू किया, मैंने रोना शुरू किया, मेरी बॉडी बर्फ की तरह ठंडी हो गई और फ्रेंड्स उस दौरान मैंने एक चीज फील की कि मेरी आंखों से कुछ निकला, एक रोशनी मेरी आंखों से निकल के गई है। और फ्रेंड्स 15 मिनट तक मैं नीचे जमीन पर तड़पती रही, दर्द मुझे चिक्के मार रही हूं मैं, पता नहीं मुझे क्या हो रहा था। फ्रेंड्स 15 मिनट बाद जब मैं वहां पे खड़ी हुई, फ्रेंड्स मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे कहीं कोई दर्द फील नहीं हुआ, मेरी लेग में जैसे पेन था ही नहीं, पेन है ही नहीं। और फ्रेंड्स उस दौरान जब मैं वहां से ऐसे खड़ी होकर निकली तो मैंने अपनी मम्मी को इतनी जोर से कस के हक कर लिया कि मुझे डर लग रहा था कि क्या होने वाला है, क्या हो गया, मेरी टांग में दर्द भी नहीं हो रहा। और फ्रेंड्स जब मैं घर आ गई, मैं भाग रही हूं, मैं चल रही हूं, फिर भी मुझे कहीं कोई दर्द तकलीफ नहीं थी। फ्रेंड्स उसी वक्त से मैंने एक विश्वास, एक ऐसा विश्वास देखा अपने अंदर जो मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। कि मैं बहुत ज्यादा नास्तिकी हो गई थी कि यार जब इतने ऑपरेशन होते हैं ना, आप नहीं बिलीव करते फिर किसी भी गॉड पे, किसी के आगे हाथ जोड़ना भी आपको गवारा नहीं होता। फ्रेंड्स मुझे ऑलरेडी पहले 2 बार ट्यूमर हो चुका था, मेरी किडनी का ऑपरेशन हो चुका था, मेरे सिजेरियन भी दोनों ही बच्चे मेरे दोनों सिजेरियन थे, उसके अलावा भी कुछ ना कुछ लगा ही रहा मेरे साथ। लेकिन ये एक अद्भुत ही चीज थी कि मतलब एक प्रेयर के द्वारा मैं बिल्कुल ठीक हो रही हूँ और मेरे अंदर एक प्रभु के लिए इतना विश्वास। फ्रेंड्स जब मैं वहां से आई, मैंने सुबह शाम प्रभु का नाम लेना शुरू कर दिया, जैसे कि मेरे अंदर एक बहुत ही जबरदस्त एक ऐसी शक्ति आ गई है, एक ऐसा अनुग्रह मुझ पे हो गया, एक ऐसा विश्वास मेरे अंदर आ गया है कि मैं 24 घंटे प्रभु का नाम लेने लग गई, मैं सुबह शाम उनके भजन सुनने लग गई, मैंने उनकी जितनी भी मूवीज थी, जितनी ऑनलाइन प्रेयर्स थी सब देखनी शुरू कर दी। फ्रेंड जैसे ही मैंने उनको बहुत ज्यादा विश्वास के साथ मानना शुरू किया, फ्रेंड मेरी जिंदगी में और भी घटनाएं घटने लग गई। फ्रेंड कहते हैं ना, जब आप भगवान को बहुत ज्यादा विश्वास के साथ मानने लग जाते हो तो शैतान भी अपना जोर पूरी तरीके से दिखाता है कि आप उसको ना मानो। फ्रेंड्स मेरे साथ भी उस दौरान ऐसा ही हुआ, जब मैंने प्रभु पर विश्वास करना शुरू किया, फ्रेंड्स उसी दौरान मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई, इधर से मैं बीमार, इधर से मेरे हस्बैंड बीमार। फ्रेंड्स मेरे हस्बैंड का इमीडिएटली ऑपरेशन हुआ, उनको अपेंडिक्स का दर्द अचानक उठा और उनका ऑपरेशन हो गया। आज तक जिस बंदे को मैंने इंजेक्शन लगे नहीं देखा, वो एकदम से उसका ऑपरेशन हो रहा है। और फ्रेंड्स मैं उस टाइम PGI में अपनी रिपोर्ट करवाने के लिए गई हुई थी और इधर से ये हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे। फ्रेंड्स इतनी बुरी कंडीशन हो गई, मैं एक ब्यूटिशियन हूँ, पार्लर चलाती हूँ और एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, इतनी बड़ी सिटी में रहते हैं हम लोग, यहाँ पे हम दोनों हस्बैंड वाइफ ही तो कमाने वाले हैं। अगर
दोनों ही बीमार पड़ जाएं तो आपका घर कैसे चलेगा? फ्रेंड्स, उस वक्त हमारा ये हाल हो गया कि मेरा पार्लर बंद हो गया, मेरे हस्बैंड का दुकान पे जाना बंद हो गया, क्योंकि वो भी बेड पे और मैं भी बेड पे, और मेरे पेरेंट्स सेवा करने में लगे हुए हैं। फ्रेंड्स, पूरा घर जैसे उल्टा पड़ गया हो, और मैंने फिर भी सिर्फ एक विश्वास रखा कि जो भी शैतान, जो भी बुरी चीजें, जो ये चाहती है कि मैं अपना विश्वास हटा दूं प्रभु पे से, फ्रेंड्स मैंने नहीं किया। मेरे बच्चों को भी चोटें लगती रही, लेकिन फिर भी मैंने अपने विश्वास को दिन ब दिन इतना बढ़ाया कि मैं हर संडे की संडे प्रेयर करवाने के लिए जाती रही वहां पे। फर्स्ट संडे फ्रेंड्स मुझे पकड़ के लेके गए थे वहां पे, और सेकंड संडे मैं वहां चल के गई थी धीरे धीरे, लेकिन थर्ड संडे आप बिलीव नहीं करोगे, मैं खुद चल के गई और मैंने वहां जाके गवाही दी कि आज मुझे दर्द नहीं है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा मेरे पे अनुग्रह किया। लेकिन फ्रेंड्स, लोग सबूत मांगते रहे कि तूने रिपोर्ट्स कराई। फ्रेंड्स, ऐसे करते करते 5 महीने निकल गए, जहां मेरा वेट 40 किलो पहुंच गया था बीमारी में। आज आप मुझे देख सकते हैं, आज मैं काफी हेल्दी भी हूं और अच्छी स्वस्थ भी हूं, क्योंकि आज उस चीज को 5 महीने हो गए हैं। लास्ट टू लास्ट संडे मेरे लिए पास्टर विजय ने प्रेयर की, जब उन्होंने ये बोला कि आज आप अपनी रिपोर्ट कराना और सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आएगी। फ्रेंड्स, मैं इस चीज को इतना मैंने विश्वास के साथ लिया कि जहां मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कहां कहां भाग रही थी, कभी कहीं। मम्मी पापा मुझे जयपुर बीकानेर सब डॉक्टरों के पास ले लेके जा रहे थे, और जब उन्होंने बोला कि रिपोर्ट्स नॉर्मल आएगी, तो मैंने उस चीज पे विश्वास किया कि मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आएंगी। जहां डॉक्टर्स मुझे ये बोल रहे थे कि ये अंदर से पूरी गल चुकी है, इसकी टांग काटनी पड़ेगी, इसकी किडनी निकालनी पड़ेगी, इसका यूट्रस पूरा निकालना पड़ेगा, इसको पॉटी की थैली निकालनी पड़ेगी, फ्रेंड्स मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल की बात कर रहे थे पास्टर जी। उस चीज के लिए मैं भी ये इस चीज में विश्वास कर रही थी कि हाँ, अगर पास्टर जी ने बोला है, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे अंदर पूरा का पूरा अपना अनुग्रह भर दिया है, तो मेरी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आएंगी। फ्रेंड्स, जब मैं अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए पहुंची, तो डॉक्टर मेरा अल्ट्रासाउंड करना उसने शुरू किया, और वो मेरी पुरानी रिपोर्ट्स को देख रहा था। वो कहता है, ये रिपोर्ट्स आपकी किसने बनाई है? मैंने कहा, पीजीआई से डॉक्टर है, उन्होंने बनाई सारी रिपोर्ट्स, क्योंकि मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम थी। कहते, अब मैं आपका अल्ट्रासाउंड कर रहा हूं और मुझे आपके अंदर कहीं भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और फ्रेंड्स, ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा चमत्कार था जब उसने बोला कि अब मुझे आपके अंदर कोई ट्यूमर दिखाई नहीं दे रहा। फ्रेंड्स, उस बंदे को विश्वास नहीं हुआ, उस डॉक्टर को विश्वास नहीं हुआ। उसने आधे घंटे तक मेरा अल्ट्रासाउंड किया, उसने पहले प्रेशर के साथ, विदाउट प्रेशर, इंटरनल, हर तरीके से उसने मेरा अल्ट्रासाउंड किया, बट वो हैरान रह गया कि उसको मेरे अंदर कहीं भी कोई ट्यूमर नजर नहीं आया। फ्रेंड्स, मैं आपको उस चीज की रिपोर्ट दिखाना चाहूंगी कि ये मेरी रिपोर्ट है जो बिल्कुल नॉर्मल, आप देख सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल। इसमें फ्रेंड्स देखिए, मेरी किडनी, राइट किडनी बिल्कुल नॉर्मल, लेफ्ट किडनी नॉर्मल, मेरा यूट्रस नॉर्मल है, और फ्रेंड्स लास्ट में भी आप देख सकते हैं कि डॉक्टर्स ने लिखा है स्पेशल कि मुझे यहाँ कुछ भी नजर नहीं आया। फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा प्रभु का चमत्कार था। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का, पास्टर विजय का, कि उन्होंने मेरे लिए प्रेयर्स की, उन सब लोगों का जिन्होंने मेरे लिए प्रेयर्स की, और प्रभु ने इतना बड़ा अनुग्रह मुझ पे किया। फ्रेंड्स, मैं रोते हुए भागी वहां से घर पे, मैं पागलों की तरह चिल्ला चिल्ला के लोगों को बोल रही हूँ कि मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई है, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैं। और फ्रेंड्स, वो दिन और आज का दिन है, फ्रेंड्स मुझे कहीं भी कोई दर्द, कोई तकलीफ नहीं हुई है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का। मैं हमेशा से यही चाहूंगी कि जो भी मेरे भाई बहन जो बहुत तकलीफ में है, जो बहुत बीमारियों में जूझ रहे हैं, वो एक बार 24 सेक्टर में इंदिरा हॉलिडे होम में जाएं, हर संडे की संडे वहां प्रेयर होती है, वहां जाके अपने लिए प्रेयर करवाएं। और मैं प्रभु से, मैं खुद प्रेयर करूंगी कि जो भी वहां पहुंचे, प्रभु उन पर अपना अनुग्रह करे। यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं आप सबको बोलती हूँ, जय मसीह की, आमीन।